हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेमन राइस की रेसिपी। अभी इस रेसिपी पर जरूर ट्राई कीजिए। घर में जब भी होता है ना कि कभी कभी प्लेन राइस खाने का मन नहीं करता है, तो इस रेसिपी पर आप भी बना सकते हैं। बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। लेमन राइस बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं आधा कप के करीब बासमती राइस। इसको हम अच्छा से धो करके 10 मिनट के लिए भिंगो कर छोड़ देंगे। तब तक हम इधर पानी को गर्म कर लेते हैं। जब पानी अच्छा से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल डालने से होता क्या है ना कि चावल खिला खिला बनेगा। तो अच्छा से पानी बॉयल हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे चावल। फिर इस तरह से थोड़ा चला देंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए। देखिए इस तरह से चावल अच्छा से पक गया है। फिर हम ले लिए हैं एक छन्नी, इसको हम अच्छा से छान लेंगे। फिर हम यहाँ पे ले लिए हैं एक फ्राइंग पैन, इसको हम अच्छे से गरम कर लिए हैं। फिर हम इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। जब रिफाइन ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें मूंगफली को थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से देखिए मूंगफली को हम अच्छे से भून करके निकाल लिए हैं, देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें डाल दिए हैं 1/2 छोटी चम्मच राई, थोड़ा सा करी पत्ता, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल। इसको हम 1/2 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसको भी हम इस तरह से अच्छा से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। चावल को हम सबके साथ अच्छा से मिला लेंगे इस तरह से, देखिए। फिर हम इसमें डाल देंगे मूंगफली जो फ्राई करके रखे थे। फिर हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच हरा मिर्च। सबसे लास्ट में हम इसमें मिला देंगे नींबू का रस। फिर गैस को बंद करके हम इसको 1/2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा लेमन राइस बनकर तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।